Hey guys, you're watching Troika Speaks. In this video, I'm going to talk about the temperatures of the PC. अगर आप अपने PC का temperature maintain रखते हैं, means जो components हैं, उन्हें maintain temperature अगर मिलता है, तो फिर उनकी life बढ़ जाती है. Okay, so everybody wants कि उनका PC component, whether it be processor, graphic card, motherboard or anything, वो लंबे से ज़्यादा टाइम तक चले, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी लाइफ फ्रंट टॉप एंड बैक में दो दो तीन तीन फैंस लगाने की भी जगह होती है, सो दे कैन मेक श्योर कि प्रॉपर इनपुट एयर का हो एंड आउटपुट आल्सो, तो एयर फ्लो मेंटेन रहता है. बट फॉर द बेसिक कैबिनेट्स लेट मी जस्ट शो यू, क्योंकि जो बेसिक कैबिनेट्स होते हैं मैंने उनमें देखा है कि मोस्टली कैबिनेट्स में परफोरेशंस होते हैं एक या दो जगह, यूजुअली दो जगह, क्योंकि कुछ परफोरेशंस 80mm के होते हैं, कुछ 120mm के होते हैं. एंड यू कैन सी ओवर हियर कि ये मेरा एक गेमिंग पीसी है, यू कैन से दैट इट इज ओनली राइजन 3100. यहाँ पर जो कैबिनेट मेरे पास है इज जेब्रोनिक्स जेब इंस्पायर, जो पीसी कैबिनेट है इसमें दो जगह परफोरेशंस हैं. ऑन द लेफ्ट देर इज अ परफोरेशन फॉर 120mm और बैक में एक परफोरेशन है, इट इज ऑफ 80mm. तो यहाँ इन दोनों जगह पे मैंने फैंस लगा रखे हैं. दिस वन इज फॉर इनटेक और जो पीछे वाला है इट इज फॉर एग्जॉस्ट. Okay, let me just show you कि how to set it up. अब जब proper fan headers वगैरह आपके पास नहीं है, how you can do so. Okay, now मैंने अपने cabinet का जो left side का side panel है वो खोल दिया है. And you can see that there is a 120mm fan over here. Let me just leave it. ये 120mm का fan है और ये intake configuration में लगा हुआ है. Okay, and this one is a 80mm फैन एंड इट इज इन एग्जॉस्ट कॉन्फ़िगरेशन. अब जो 80mm का फैन मेरे पास है इसके साथ एक फैन हेडर आता है ओनली ऑफ टू पिंस, तो मैंने इसे मदरबोर्ड के फैन हेडर में लगा रखा है. एंड फॉर द डायग्राम विच शोज कि जो फैन हेडर है इसमें कौन सी पिन फॉर द वोल्टेज एंड विच पिन इज फॉर द ग्राउंड वगैरह, तो ये मैं शेयर कर दूंगा इन द सेम वीडियो. एंड फॉर दिस 120mm फैन इसको मैंने मोलेक्स में लगा रखा है. नाउ आई हैव स्ट्रिप द टेप फ्रॉम दिस मोलेक्स एंड लेट मी जस्ट टेक आउट द पिन्स. ओके, यू कैन सी ओवर हियर कि जो दो वायर्स मिलते हैं, मींस दिस रेड वायर इज फॉर 12V एंड द ब्लैक वायर इज फॉर द ग्राउंड. एंड ये जो वायर्स आपको मिलते हैं, जो मोलेक्स की जो पावर कॉन्फ़िगरेशन है वो डायग्राम मैं इसका भी शेयर कर दूंगा. एक्चुअली ओरली मैं बता देता हूँ पहले दैट दीज टू मिडिल पिन्स ये होती हैं फॉर ग्राउंड एंड वन इज फॉर 5V एंड द अदर वन इज फॉर 12V. यू विल नीड टू फाइंड कि आपके कौन से पिन प्लग करने के बाद आपका फैन ज्यादा तेज घूम रहा है फॉर आफ्टर गेटिंग द हायर वोल्टेज. एंड पहले मैंने इन पिन्स को वायर्स के साथ शोल्डर किया, फिर आई हैव इंसुलेट हो चुके हैं एंड देन पिन्स को प्लग करके उसके बाद मैंने टेप किया एंड दिस मेड दिस कनेक्शन मोर स्टेबल. बिकॉज आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि जब कैबिनेट बंद है तो फिर आपके जो वायर्स हैं वो बार बार हिले नहीं. ओके, नाउ आई विल मूव टू माई पी सी स्क्रीन इन ऑर्डर टू शो यू कि आपको जो टेम्परेचर्स वगैरह मिलते हैं वो कैसे हैं. एंड फॉर बाइंग लिंक ऑफ फैंस मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आप. ओके, वी आर ऑन माई पी सी स्क्रीन नाउ. And now let me just open the MSI Afterburner in order to show you the temperatures. और ये temperatures और usages आपको देखने के लिए
कैसे सेटअप करना है MSI Afterburner, एक्चुअली मैं इसका वीडियो बना चुका हूँ, यू विल गेट इट इन द कार्ट. नाउ लेट मी जस्ट लॉन्च अ गेम एंड एज पर यू कैन सी दैट GPU टेम्परेचर इज 29 degrees 35, यूसेज 41% और जो फैन स्पीड है वो 50% पे है अभी, एंड द CPU टेम्परेचर्स आर 43. एक्चुअली इससे पहले इन फैंस को लगाने से पहले मुझे जो टेम्परेचर्स मिलते थे इट यूज टू बी अराउंड 72-74 degrees फॉर GPU और अबव 60-65 फॉर CPU टेम्परेचर्स. ओके नाउ लेट्स सी कि हमें गेम प्ले में क्या टेम्परेचर्स मिले. ओके लोडिंग स्क्रीन नाउ. Okay, now it's about to begin and you can see ki the GPU temperature is above 51 ja raha hai and the CPU temperature is around 47 for the 90% or 98% of usage of CPU or GPU is 67 or 53. Okay, now किसी और की है कि टेम्परेचर अब पहुंच गया है बट सीपी टेम्परेचर आर 47 स्टिल 88% यूसेज पर एंड ग्राफिक कार्ड फॉर द ग्राफिक कार्ड अभी थोड़ी देर के गेम प्ले के बाद अराउंड आधे घंटे या फिर 20 मिनट्स के बाद 8-2 ऑफ देम वर शूटिंग एट मी, तो फिर मैं इधर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया. एक्चुअली नाउ यू कैन सी कि 65 तक GPU टेम्परेचर जा चुका है एंड 48 इज फॉर द CPU. जो आपको टेम्परेचर्स मिलेंगे इट विल बी लोअर दैन द टेम्परेचर्स विच यू गेट यूजली. This is the benefit of installing the fans and this is all for what I wanted to say for this video. Installing fan is beneficial for you because agar kam temperatures par peripherals PC components run karenge to fir unke battery hai. Okay, you have been watching TruAK Speaks. Main hu Ayush, signing out. Thank you.